तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपना वोटर आईडी कैसे घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 से 3 मिनट में। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान पर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना होगा और ब्राउजर के सर्च बार पे आपको nvsp.in सर्च कर लेना होगा। जैसे ही आप nvsp सर्च कर लेंगे तो उसको फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको nvsp की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। तो उस पर आपको टैप करके ओके कर लेना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको दिख जाएगा सर्च इन इलेक्ट्रल रोल। तो उस पर आपको ओके करना होगा। जैसे ही आप उसमें ओके कर देंगे तो उसमें दो ऑप्शन आ जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा सर्च बाय डिटेल, जिसमें आप नाम के द्वारा अपना सर्च कर सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन है एपिक नंबर। तो अब हम एपिक नंबर से सर्च करेंगे तो एपिक नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड पे दिया होगा, तो उसे आपको फिलअप कर लेना होगा। जैसे ही आप अपना एपिक कार्ड डाल देंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपको स्टेट चूज करने का। तो आप अपने स्टेट चूज कर लीजिएगा और नेक्स्ट ऑप्शन आएगा बाद में कैचअप कोड। कैचअप कोड आपको देख के डालना होगा। वो डालने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखा जाएगा सर्च का। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो नीचे आपको दिखा देगा आपका सब कुछ डिटेल। तो आपको व्यू डिटेल पे क्लिक करना होगा। तो व्यू डिटेल पे क्लिक करते ही आपका वोटर इन्फॉर्मेशन सब आ जाएगा। उस पर आप देख सकते हैं आपका सब आ जाएगा। फिर लास्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको प्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आपको प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद आप डायरेक्टली उसको गूगल ड्राइव से ओपन कर सकते हैं। ये देखिए मेरा डाउनलोड हो चुका है, तो मैं डायरेक्टली गूगल ड्राइव पे आ गया हूँ। तो मेरा PDF डाउनलोड हो चुका है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे मेरे कमेंट में कमेंट करिएगा।